गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। बेटा आज के लेक्चर में जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो है आपका लेसन 17। लेसन 17 में आपके है हैव और हैज का यूज। हैव और हैज का यूज हम कहाँ करते हैं इंग्लिश में, ये आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आप सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए और लेसन 17 ओपन करिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हैव का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, कैसे सेंटेंस या किन वर्ड्स के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। तो बच्चों यहां आप देख सकते हैं have लिखा हुआ है। have के आगे मैंने लिखा है आई वी यू दे, ठीक है। आई वी यू दे जो वर्ड्स है बच्चों, अगर इनसे रिलेटेड सेंटेंस है, यानी सेंटेंस में अगर आई आ रहा है तो आई के साथ हम हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव लगाते हैं। इसके साथ ही प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल्स होते हैं बहुवचन, ठीक है। एक से ज्यादा चीजें जब होती है वो प्लूरल्स होते हैं, तो प्लूरल्स के साथ भी हैव का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया? यानी सेंटेंस में आई यू वी दे और बहुवचन है तो हम वहां क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। ही शी एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी और सिंगुलर, ही शी होता है, ही होता है मेल बॉयज जेंट्स के लिए, और शी होता है फीमेल गर्ल्स वुमेन्स के लिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं बच्चों जिसमें हम एक वचन की बात करते हैं। ऐसे सेंटेंस में हम हमेशा हैज का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? हैज का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताया है इनको मैं कुछ और उदाहरण से आप लोगों को नीचे समझा रही हूं, ध्यान से देखेंगे। यहां लिखा है आई हैव एन अम्ब्रेला, तो आई के साथ हमने किसको यूज करा हुआ है को। You have an apple. You के साथ क्या आ गया? Have. They have red pens. ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं He has a bat. उसके पास bat है। She has a doll. उसके पास doll है। तो he, she के साथ क्या यूज कर रहे हम? Has. I के साथ have. You के साथ have. They के साथ have. क्लियर हो गया सबको? अब देखिए यहाँ fill in the blanks है जिसमें हमें have और has fill करना है। तो ये आप बताएंगे मुझे, देखिए शी और गन, अगर अब यहां शी आ रहा है तो मैं यहां क्या यूज करूंगी बच्चों? हैज। शी और ही के साथ किसका यूज हो रहा है? हैज का, तो हम यहां फिल करेंगे हैज। यहां बात हो रही है दे डैश कैप्स, तो दे आ रहा है, दे ये रहा, दे के साथ हमने किसको यूज किया? हैव को, तो हम यहां क्या भरेंगे? हैव। क्लियर? फिर है रेनू और बुक। रेनू कौन है? गर्ल है, रेनू एक लड़की का नाम हुआ। यहां हमने क्या कहा था? शी। अगर हम शी की जगह अगर किसी फीमेल, किसी गर्ल का, किसी वुमेन का नाम लिखते हैं तो भी हम यहां क्या यूज करेंगे बच्चों? हैज। क्लियर हो गया? देखो या तो ही शी लिखा हुआ आएगा या ही की जगह हो सकता है कोई बॉय का नाम आ जाए, शी की जगह गर्ल का नाम आ जाए, बात वही है, तो हम यहां क्या लगा देंगे? हैज। इसी तरीके से आई अ डॉग, आई के साथ हैव। क्लियर? इसी तरीके से वी, वी के साथ भी क्या यूज होगा? हैव। वी हैव ग्रेप्स। यू, यू हैव अ मैंगो। तो बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि हम हैव और हैज का इस्तेमाल कहां करते हैं। अब आपको दिया गया जो वर्क बोर्ड पे है बच्चों वो कंप्लीट आपको एज इट इज अपनी कॉपी में करना है और इसको ध्यान से रीड भी करना है। थैंक यू, टेक केयर।